अब हम आ चुके हैं लंगर भवन के अंदर। आप देख सकते हैं कि लोग लंगर का आनंद ले रहे हैं और यहाँ से लंगर इंचार्ज हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो होंगे कि यहाँ लंगर प्रतिदिन कितने बजे से कितने बजे तक होता है और कितने सालों से आयोजन किया जा रहा है, ये सारी बातें करेंगे। आइए मिलते हैं इनसे। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आप यहाँ कब से हैं सर? मैं 30 साल से हूँ, 30 साल से, और जन्म मेरा यहाँ हुआ है इस धरती में। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा तेजिंदर सिंह बंटी है, मैं लंगर इंचार्ज हूँ। ये गुरु महाराज में इतनी शक्ति है, कोई भी है, हिंदू रहे या कोई रहे, ये सेवा बहुत ही धन है। और महाराज का सबसे बड़ा जन्म स्थान है, दूसरा तखत है यहाँ। यहाँ पर लंगर का आयोजन कितने बजे से कितने बजे तक प्रतिदिन होता है? ये सुबह लंगर 5 बजे से शुरू हो जाता है। पहले नाश्ता चलता है, जो बाहर की संगत आती है वो हिंदू लोग भी आते हैं, सिख तो आते ही हैं, मुसलमान भी आते हैं। ये 5 बजे से जो शुरू होता है, जो समझिए 24 घंटा लंगर ये चलता है। 2 घंटे के लिए खाली बंद होता है, जो सफाई करने के लिए और बनाने के लिए। ये दिन भर लंगर चलता है, तरह तरह की चीज़ें चलती हैं यहाँ। 2 तरह की सब्जी चलती है, दाल चलती है, आज कढ़ी पकौड़ा बनाया है, और मीठे में खीर होती है, सेवई होती है, हलवा होता है। ये 24 घंटा ये लंगर चलता है। हिंदू लोग तो बहुत ही आते हैं दूर दूर से, बहुत श्रद्धा से। और हमारे जो पहले गुरु नानक देव जी महाराज हैं, उन्हीं का जो 20 रुपये का जो लंगर आज चालू हुआ है, जो आज पूरे विश्व में चल रहा है। और यहाँ कोई जात पात नहीं, एक ही पंगत में राजा खाएगा, एक ही पंगत में गरीब खाएगा, कोई फीलिंग नहीं। ये हमारे गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने ये लंगर चलाया है। और आपके अनुमान से कितने लोग यहाँ प्रतिदिन पहुँचते हैं? यहाँ गिनती अभी तो कोई नहीं है, यहाँ तो हजारों लोग कम से कम, अभी एक टाइम में समझिए 20,000 आदमी लंगर छकते हैं, दिन भर में समझिए 50,000 आदमी लंगर छकते हैं। यहाँ दिन भर लगा रहता है लंगर का, यहाँ ये नहीं कि आप लंगर बंद होता है, खाली 2 घंटे के लिए बंद होता है, नहीं तो दिन भर रात भर चलता है। जैसे जैसे संगत आती है रात भर लंगर चलता है। और आप कितने सालों से यहाँ सेवा में हैं? मैं तो 30 साल से हूँ यहाँ सेवा, लंगर इंचार्ज हूँ मैं। यहाँ सब जितनी व्यवस्था है हमको करना है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये दिन भर हमको 12 घंटा यहाँ ड्यूटी है। अब यहाँ पे लंगर किस तरीके से तैयार किया जाता है, या हम सभी मशीनों को भी देखेंगे इनके द्वारा, ये दिखलाएंगे हमें? ये बाहर से मशीनें आई हैं, ये 45 मिनट 1 घंटे में कम से कम 50 किलो 60 किलो चावल सब्जी दाल, ये बाहर की मशीनें हैं। ये एक टाइम में 70 किलो चावल या सब्जी बनती है जी। ये सब बिजली और सिलेंडर गैस से चलती है। अच्छा। और ये क्या है? ये सारी सेम ही है? सब वही है, सब्जी है, मशीन है, वो कुकर है आगे में, और रोटी बनाने वाली मशीन है जी। आप देख सकते हैं कितनी आधुनिकता से भरा हुआ ये किचन है, और काफी भारी मात्रा में भोजन तैयार करने के लिए इनका किचन कितना पर्याप्त रूप से अनुकूल है। आप देख सकते हैं कि कितनी आधुनिकता के साथ यहाँ पर चीज़ें बहुत व्यवस्थित ढंग से दी गई हैं। बनता है, ये रोटी वाली मशीन है और आलू कटने वाली मशीन भी अंदर पड़ी हुई है जी। अब हम लोग मिलते हैं जो परोसते हैं यहाँ लंगर, उनसे थोड़ी बात की जाए। और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सरदार कुलजीत सिंह है। और आप कब से यहाँ सेवा दे रहे हैं? मैं बहुत दिनों से सेवा दे रहा हूँ। प्रतिदिन आप कितने बजे यहाँ? देखिए लंगर जो स्टार्टिंग टाइम है वो 11 से 4 होती है जी। हम लोगों की सेवा 11 से 4 है जी। और रात में 7 से 10 ये सब। तो थकान होती है? थकान महसूस होती है? वो तो वाहेगुरु है ही जी। तो आपने देखा कि ये सारे समय कैसे सेवा भाव के साथ इस लंगर परोसते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने चाव से सभी लोग खा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। देख सकते हैं कि अब हम लोग आ गए हैं लंगर वाले भवन में, जहाँ पे लंगर की व्यवस्था की गई है, और किस तरह सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पे लोगों को लंगर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और हम भी अब लंगर का प्रसाद करने वाले हैं।